वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। कहते हैं बच्चों की आंख से गिरने वाला आंसू माँ के दिल को छलनी कर देता है, आपके दिल को भी छलनी करता होगा। आप भी हमारे लिए तड़पती होंगी माँ। कभी कभी हमारा दिल चाहता है कि हम भी आपके पास आ जाएं। क्या कहा है? एक पल में आप अपनी अक्का भी को भूल गई? नहीं अक्का भी, आपको गलत फहमी हुई है, हमने ऐसा तो नहीं कहा। आपने हमारा दिल तोड़ दिया। कैसी बातें कर रही हैं हम अपनों के हाथों टूट के बिखर चुके हैं अक्का भी, एक आप ही तो हैं जिससे हमें मोहब्बत और सुकून मिलता है। अब हमारा दिल रख रही हैं आप, हमारा यकीन करें, हम सच कह रहे हैं। पे मरने की बात क्यों की थी? तकलीफ हुई, दुख में मुंह से निकल गया। हमारी कसम खाएं, आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगे। हम आइंदा ये बात नहीं करेंगे। ऐसी बात ना क्यों करें, हमें दुख होता है। आइए थोड़ा सा काम ना कर लें। जी ठीक है, हम इंतजार करेंगे, होती है फिर मुलाकात। खुदा हाफिज। कितने बजे आ रहे हैं? 5-6 बजे का बताएं। अक्का भी, अक्का भी, बड़ा वाला मेहमान खाना खुलवा दीजिए और अच्छी तरह से अंदर से सफाई करवा दीजिए। जी बेहतर। मरियम बीबी के ससुराल वाले आ रहे हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अपनी निगरानी में सब कुछ करवाइएगा। बेहतर, इंशाल्लाह कोई कमी नहीं रहेगी। बच्चियों का मामला है, खैरियत से अपने घर जाए, खुशियों से सलामती से रहे। आमीन। छोटी दुल्हन, आपने शहाबुद्दीन को फोन किया? जी फोन तो कर दिया था हमने, मगर आप तो जानती हैं जमीनों के कागजात में ऐसे उलझते हैं कि किसी चीज का होश ही नहीं रहता। जी अक्का भी, आप मरियम के पास चली जाइए, उन्हें तैयारी में वक्त लगता है। बेहतर बीबी। बीबी इजाजत। जी। छोटी दुल्हन, अगर हमारी अपनी सगी बहन भी होती ना, तो वो भी इतना कुछ हमारे लिए ना करती जितना आपने हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए किया। हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। अच्छी बात, आपको मोहब्बतों का एहसास है ना, आपके भाई तो खान सामा को बता दीजिएगा आपको आज डाइनिंग टेबल पे क्या कुछ चाहिए, सब कुछ बना देगा। तकल्लुफ मत कीजिए, मरियम हमारी भी तो बेटी है। शुक्रिया, हम देख लेते हैं सारे इंतजाम। जी जी, ज्वेलरी लाइट है इसलिए मेकअप डार्क होगा। ड्रेस अब मैं पिक्चर भेज दूं आपको? ठीक है जी जी, 5 बजे की अपॉइंटमेंट को। ठीक है, थैंक यू, हाफिज। मैं बता रही हूँ फारिया, बिल्कुल ओवर मेकअप नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे पता है तुम ज्यादा नहीं बोलो, और ये देखो मुझे रेफरेंस भेजना है उसको। वैसे बीबी ठीक है, हमें तो बच्चियाँ मेकअप के बगैर ही अच्छी लगती है। नहीं अक्का भी, आपको नहीं पता ना मेकअप जरूरी है आजकल, ये देखो। लेकिन हमारी दिलावेज बेटी तो कभी मेकअप नहीं करती, और उनका चेहरा तो ऐसे चमकता है
जैसे चांद हो। चांद भी ग्रहण वाला। जी लेकिन जब चांद निकलता है ना तो सारी दुनिया देखती है उसकी रोशनी। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आपकी दिल आवेश जिस दिन चांद चढ़ाएगी ना तो उस दिन पूरी दुनिया वाकई देखेगी। अच्छा बताएं कोई काम था आपको, देखो इसको। जी वो छोटी बेगम साहबा ने कहा था कि आपसे आके पूछ ले कि आपको कोई काम है हमसे तो बता दीजिए। मुझे है काम, मेरे कमरे में जाएं और शूज का सेक्शन ठीक कर दे, लेकिन मेरी कपड़ों की अलमारी को हाथ नहीं लगाएगा अपनी दिल आवेश की तरह। प्लीज उस दिन मरियम इतनी मैं परेशान हुई अपने दुपट्टे की वजह से, मैं मोहतात हो गई। प्लीज कपड़ों की अलमारी को नहीं, सिर्फ जूतों का सेक्शन। ऊपर बड़े कमरे में ले जाओ। शुक्रिया। जरा कला बाबा जान। अरे अच्छा हुआ वक्त पर आ गए, सब आपको कॉल्स कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो भाई, हम कैसे वक्त पे ना आते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी मरियम की शादी है, हमारी बेटी की शादी है और फिर इसके ससुराल वाले भी आने वाले। देखो हम आप सबके लिए तहाइफ लेके आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद नहीं आए तो हम और ले आएंगे। वालेकुम अस्सलाम। शाबुद्दीन आप पहले ही हमारे लिए इतना करते हैं, इतने तारीफ लाने की क्या जरूरत थी। आप जैसे भाई खुदा ताला हर बहन को अता करे। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप आजा। मरियम हमारी बेटी है, हमारी बेटी की शादी है। दिलावेज भाई आप वहां खड़ी क्या कर रही हैं, यहाँ आइए हमारे पास। हम? जी आप आइए। हम सबके लिए तहाइफ लाए हैं, आप यूं पर जाइए और अपने तहाइफ पसंद कर लीजिए। अगर आपको पसंद ना आए तो हमें बता दीजिएगा, हम आपको आपके पसंद के तहाइफ ला के देंगे। किसका चेहरा देख लिया हमने इस वक्त। दिलावेज यहाँ क्या कर रही हो, चाय बनाने का बोला था ना। वो हम जा ही रहे थे। तो किचन में जाओ, यहाँ क्या कर रही हो। अच्छा सुनो मेरे लिए भी लेते हुए आना चाय। चलो फारिया हम चल के गप्स देखते हैं। हाँ आप लोग चाहिए। शुक्रिया बाबा जान। बाबा जान तशरीफ रखिए। आज हमने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम किया है, खवातीन के लिए तहाइफ पसंद किया। हम समझ सकते हैं शाहबुद्दीन, हम आपके बड़े मशकूर हैं। आपकी वजह से हमारी बेटी मरियम का रिश्ता इतने बड़े घराने में हुआ। आप आशा हमें शर्मिंदा मत करें, आप हमने अपना फर्ज पूरा किया, मरियम हमारी बेटी है। रोशन आ रहा कहाँ? हम देखते हैं। मजे का मौसम है ना। सर्दी हो रही है। ठंड लग रही है। एंजॉय कर रही हूं मैं ऐसे। ओके अरे जी एक बात तो बताएं, मैं सोच रहा था कि आपके घर पे आपकी कजन की शादी की तैयारियां चल रही हैं और आप यहाँ मेरे साथ, विच इज वेरी गुड। आपको कोई कुछ कहता नहीं?
नहीं, मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ये तो है। क्यों, तुम्हें तो एतराज नहीं है ना मेरे मिलने से? ऐसा कैसी बातें कर रही है, भला मुझे क्यों एतराज होगा? एक बात बताइए, ये महबूब हमेशा इतना संगदिल क्यों होता है? क्योंकि वो महबूब होता है, लाइक बिलव्ड। तो कल, हाँ हेलो, हाँ यार कहा तो था बस दो दिन। हाँ हाँ कर दूंगा, हाँ बस दो दिन। किसे जीप से पौधे लेंगे, किसका फोन था? वो बताया था ना आपको बिजनेस के लिए पेमेंट करनी है। हाँ, तो हाँ, बस मुझे मौका नहीं मिला, तुम्हारा काम हो जाएगा बस। जी फारिया जी, फारिया जी पता क्या, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एक नई जिंदगी का आगाज हो, और उसके लिए मुझे मुझे एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा। काम तुम्हारा, मैं कह रही हूँ ना, प्लीज यासर, बहुत गिर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ अपने साथ भी और शायद आपके साथ भी। पता है फारिया जी, मुझे मुझे इस बात का एहसास है, बहुत एहसास है कि आखिर कब तक हम यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे। अच्छा कहाँ है ना, फिक्र नहीं करो, ठीक होगा सब। इतनी अच्छी क्यों है आप? आपको पता है मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, सुबह उठते ही सबसे पहले ही आपकी तस्वीर देखता हूँ। वैसे मेरा बस चले ना, मैं आपको पूरी दुनिया से चुरा के कहीं कैद कर लूँगा। तो कर लो कैद, किससे रोका? तो कर लूंगा। हंजू मेरे याद आदी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लेंदे ने, खेड मुकदरा दिए लुक लुक तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसबर जानते हैं, तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसबर जानते हैं, मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशा, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहां, मेरी बेबसी को संवार दे वो करा, बस तो फिर हम बहुत जल्द मरियम को अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। दरअसल रजा की पुप्पी जान अमेरिका से आई हुई है, तो जल्दी की कोई तारीख रख लेते, मैं चाह रही थी कि वो भी शादी में शिरकत कर लेती, तो बस इसीलिए। आप ही की बेटी हैं, जब दिल चाहे ले जाइए, लेकिन थोड़ी जल्दी नहीं है? जल्दी किस बात, बिल्कुल ठीक है, जब कहेंगी हम सारी तैयारियां कर लेंगे, किसी चीज की कमी रह ही नहीं सकती। क्यों शाह?
बिल्कुल सही कहा रोशन ने, आप शादी की तैयारियों के लिए फिक्र मत करें, इंशाल्लाह किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मरियम हमारी बेटी है। आपके और छोटी दुल्हन के होते हुए हमें कभी किसी बात की फिक्र नहीं की। तो बस फिर अगले महीने की ही कोई तारीख रख लीजिए। क्यों मरियम? आप लोग आपस में मशवरा कर लीजिए और हमें बता दीजिए, तैयारियां हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आपकी हवेली की लाजमा भी बहुत खूबसूरत है। क्या नाम है बेटा? तिलावत। नहीं नहीं, ये मुलाजमा नहीं, ये तो हमारी भतीजी और शाहबुद्दीन की बड़ी बेटी हैं। दरअसल इनकी पैदाइश पे इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। तो इसका मतलब ये भाई साहब की दूसरी? जी। आप लोग चाय पिए, हम बाकी इंतजाम देख लें। अरे नहीं भाभी, तकल्लुफ मत कीजिए, आप बैठे हमारे साथ चाय पीजिए। कोई तकल्लुफ नहीं, आप चाय पिए, हम आते हैं। घर की बड़ी बेटी है ना ये, तो हवेली की सारी जिम्मेदारियां इन्हीं के कंधों पे है। बहुत अच्छी चाय बनाई तुमने, बनाई। एक बात बताइए, क्या जरूरत थी आपको दिलावेश के बारे में सब कुछ बताने की, और हमारे बारे में कि हम दूसरी बीवी हैं, और क्यों क्यों बताया आपने? छोटी दुल्हन, वो हमारा समधियाना है, उनके सामने हम झूठ कैसे बोलते? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमें ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। हम बिल्कुल जानते हैं, लेकिन पसंद ना पसंद करने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी ना छोटी दुल्हन। आप भी तो हमारी मजबूरी को समझिए, बेटी के ससुराल के सामने कितनी मसलहत से काम करना पड़ता है। हम जानते हैं आपको बुरा लगा है, उनके सामने झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए सच कहा। और भी बहुत सारी सच्चाइयां हैं, फिर वो भी बतानी चाहिए थी ना उनको, लेकिन नहीं, वो बताने से तो आपके भाई का सर नीचे हो जाता, आपकी इज्जत कम हो जाती है ना। हम सोच रहे थे कि दिलावेश की अब शादी करते हैं। आप उसकी माँ हैं, आप करेंगी फैसला। आप भूल गई हैं, इस हवेली के सारे फैसले हम करते हैं। और जहां तक रही बात दिलावेश की, तो हम आपको बता दें कि वो इस हवेली की नौकरानी है और नौकरानी ही रहेंगी, सारी जिंदगी वो हमारी खिदमत करेंगी, यही उनकी औकात है। बेहतर होगा कि आप उनकी औकात को याद रखा करें। न जाने कहां है ये। अरे यहाँ है आप, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। बहुत रात हो गई, चलिए जाइए सो जाइए। अक्का भी फारिया के लिए दूध गर्म कर रहे थे, आप तो जानती हैं ठंडा दूध दे दें तो पूरी हवेली सर पे उठा लेती हैं वो। हम कर देते, हमें बोलती हैं। अरे बस हो गया, आप जाइए, हम आ रहे हैं। जब हमने मना किया था मेहमानों के सामने आने के लिए, तो आपको किसने इजाजत दी वहां आने की? बीबी वो हम बात कर रहे हैं ना कभी, बताइए किसकी इजाजत से गई? हमने भेजा था बीबी, कोई गलती हो गई क्या? गलती? इनका तो पैदा होना ही गलती है, और उससे बड़ी गलती हमने कर दी कि इस खाक को उठा के हमने अपने सर पे सजा लिया। और जब खाक को माथे पे सजा लिया जाए तो इज्जतों को खाक होने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से बीबी, ये भी इस घर की बेटी है। ये बेटी नहीं है, दाग है, दाग इस खानदान पर, इस हवेली पर। आइंदा अक्का भी अगर हमारी इजाजत के बगैर ये लड़की मेहमानों के सामने आई, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
यासिर कहाँ गायब हो? कल से कॉल्स कर रही हूँ। मुझे छोड़ने का तो नहीं सोच रहे? क्योंकि अगर सोच रही हूँ तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी। बहुत शक करती हैं वैसे आप आरिया जी, मोहब्बत पर यकीन नहीं है ना मेरी? शक नहीं करती, बस डरती हूँ थोड़ा सा। सोचती हूँ कि तुम पीछे हट गए तो क्या होगा मेरा, सीरियसली मर जाऊंगी। किसी ने कहा है ना, मोहब्बत में वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। नहीं हटूंगा पीछे, आजमा लीजिएगा। हाँ है यकीन मुझे। अच्छा बताइए, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए मुझे आपको बुलाना होगा, शादी का खाना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? वैसे कैसे जान लेती हैं मेरी परेशानी, मेरे दिल का हाल? हाय, दे के दिल हाथ तेरे अपने हाथ, हाथ पे हाथ तेरे बैठे। बताओ मुझे क्यों परेशान? बहुत लकी हूँ मैं फारिया जी, जब मुझे आपका साथ मिला। बात नहीं, घुमाओ मुझे, बताओ जो मैं पूछ रही हूँ यासिर। कुछ नहीं, बस पैसों की वजह से परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। जिंदगी कभी कभार कितनी मुश्किल लगती है, दिल चाहता है भाग जाऊं, छुप जाऊं कहीं, सबकी नजरों से दूर, सबकी दस्तरस से दूर। क्या मतलब है, मुझसे भी दूर जाओगे तुम? ये बात आप भी जानती हैं फारिया जी, कि सिर्फ आपकी वजह से यहां रुका हूं। अच्छा छोड़िए, कोई और बात करते हैं। वैसे आप भी सोचती होंगी किस कंगले फकीर से पाला पड़ गया है ना? नहीं यही बात करेंगे हम। बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें ये बिजनेस के लिए? फारिया जी मैं कर लूंगा ना। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती यासिर, बताओ मुझे। 25 लाख। 25 लाख? 25 लाख तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ यासिर। गैर समझाए मुझे, मोहब्बत करती हूँ तुमसे, इसलिए इतने परेशान थे तुम। तुम्हारी मुस्कुराहट ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, वो अनमोल है। अरे वाह मेरे शेर, मान गया यार तुझे, क्या बात है। देख जिस दिन इंसान को अपनी खूबसूरती को कैश करवाना आ जाए, समझ लो लॉटरी खुल गई। क्या बात क्या बात, ऐसे बुरा तू भी नहीं है, तू भी नहीं है। अबे यार मुझे माफी कर, मेरी मशीन का मसला हल नहीं हो रहा, कभी 85 कभी 90। यार तुम लोग हमेशा ऐसे करते हो। जान, मेरा कमीशन नहीं होगा, याद रखियो। आ नहीं भूलूंगा, एक काम कर, तू एक अच्छी सी चाय बना के ला मेरे लिए। एक कप क्यों, तू बोले तो दो ले आता हूँ। हाँ ले यार, दोनों इकट्ठे बैठ के। मेरे दोस्त आप, तू जो भी बोले मैं करूंगा। हाँ करेगा तू। तमीज नहीं है तुम्हें, कहीं भी मुंह उठा के आ जाती हो दिलावेज। किससे बात कर रही हैं आप? मैं जिससे भी बात कर रही थी, तुम कौन होती हो पूछने वाली? हम आपकी बड़ी बहन, कोई बहन बहन नहीं हो, जाओ यहाँ से। फारिया गलत कर रही हैं आप, ये लड़का जो आपसे 25 लाख रुपया मांग रहा है, ये आपको धोखा देगा, झूठ बोल रहा है आपसे। तुम क्या मेरी जासूसी करती रहती हो? तो जानती क्या हो इसके बारे में? हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, मानते हैं, मगर हमें अकल है, आपको क्यों नहीं है? वो आपसे झूठ बोल रहा है, धोखा देगा आपको। हाँ दे रही हूँ मैं इसे 25 लाख रुपए, करती हूँ इससे मोहब्बत, सुन लिया है सब? ये बात किसी और को बताई ना, ऐसा तमाशा बनाऊंगी तुम्हारा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। जाओ यहाँ से। अरे आप क्या कर रही हैं? बाबा की इज्जत का तो ख्याल करें आप। क्या मसला है दिलावेज, क्या मसला है तुम्हारा? बड़ी बहन कह कह के मुझे लेक्चर देने क्यों आ जाती हो? क्यों नहीं तुम्हें समझ आता इस घर में तुम्हारी हैसियत एक मेड से ज्यादा नहीं है? और बाबा की क्या बात कर रही हो, तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेंगे, मेरी बात पे करेंगे। जाओ, कौन हो यार? मुश्किल से फोन उठाया था यार। फारिया क्या है,
सब ठीक तो है ना? नहीं है ठीक मरियम। कल से मैं यासिर को कॉल कर रही हूँ, आज उठाइए उसने कॉल और ये दिल आवेज आ जाती है लेक्चर अपने देने के लिए, और अब वो कॉल नहीं उठा रहा है। क्या मसला है सबको, क्यों सब मुझे सुनाने आ जाते हैं? एक बात बोलूं फारिया? हाँ बोलो, तुम भी बोलो, सब बोलते हैं तुम भी बोलो। देखो यू माइट गेट अपसेट, तुम्हें नहीं लगता तुम में और यासिर में बहुत डिफरेंसेस हैं, लाइक फैमिली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एजुकेशन? है ये सारे डिफरेंसेस, फैमिली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एजुकेशनल डिफरेंस सब है। कोई अभी साथ देखे उसे देखे तो झट से बोले कि फारिया तो पागल है, ये तो पागल हो गई है, इसे तो कोई भी अच्छे खानदान का, बड़े खानदान का, इसके जितना एजुकेटेड लड़का मिल सकता है, फिर ये क्यों? मैं उसके लिए है मू, अनलाइक ऑल ऑफ यू। मुझे इस बात का एहसास दिलाता है वो कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। ये बात के कोई मेरे बगैर भी अधूरा हो सकता है। तुम सब लोग मुझे पागल कहते हो, उसको मैं ठीक लगती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, हर बात मानता है वो मेरी, सबसे अलग है वो मरियम, सबसे ज्यादा, उस जैसा कोई नहीं। ये तुम्हें लगता है फारिया? हाँ मुझे ऐसा लगता है। बड़ी बहन, बड़ी बहन कह कह के मुझे लेक्चर देने क्यों आ जाती हो? क्यों नहीं तुम्हें समझ आता इस घर में तुम्हारी हैसियत एक मेड से ज्यादा नहीं है? बाबा की क्या बात कर रही हो, तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेंगे, मेरी बात पे करेंगे। हमें डिजाइन पसंद आया, अच्छे लग रहे हैं। पाजेब का तो कोई नया डिजाइन भिजवा दीजिए। बीजा हम करते हैं बाद में कॉल। बाबा जान कहाँ हैं? नवाब साहब कहिए, अदब से नाम लिया करें उनका, कहिए। हमें उनसे जरूरी बात करनी है। हमें आपसे जरूरी बात करनी थी बाबा जान। मत नाम लो हमारा। मत करो हमें बाबा। रोशन आरा इसे कह दीजिए यहां से चली जाए, हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, ना हम इसके बाबा हैं, ना ये हमारी बेटी है, और ना ही इसका हम पे कोई हक है। सुना नहीं हमने क्या कहा है? जाओ यहां से। कभी हमें बताएं कि हमारा कसूर क्या है? बाबा क्यों हमसे इतनी नफरत करते हैं, क्यों अपनी बेटी तस्लीम नहीं करते? हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हम उनसे किस बात की माफियां मांगते हैं। वो हमारी माँ से प्यार करते थे ना, अगर हमारी पैदाइश पे उनकी वफात हो गई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों सजा दे रहे हैं वो?
बेटी हमें यकीन है एक दिन शहाबुद्दीन आपको जरूर तस्लीम करेंगे। वो आपसे प्यार करते हैं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह शहाबुद्दीन आपको जरूर तस्लीम करेंगे, देख लेना। और वो दिन कब आएगा, कब आएगा वो दिन? हम थक गए, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। नफरत इंसान को मजबूत बनाती है, हालात से मुकाबला करना सिखाती है। और आप हमारी बेटी, आप मजबूत हैं ना, मजबूत है ना? आइए। बात बताइए, ये महबूब हमेशा इतना संगदिल क्यों होता है? क्योंकि वो महबूब होता है, लाइक बिलवड। आपको पता है मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले ही आपकी तस्वीर देखता हूँ। ऐसे मेरा बस चले ना, मैं आपको पूरी दुनिया से चुरा के कहीं कैद करूँ। हाँ नानी अम्मा के अचार याद है, चुरा के खाते थे हम। डांट भी पड़ती थी या। सब याद है हमें। फोन रखिए अक्का भी। हमने आपको कहा था कि बड़े मेहमान खाने की सफाई करवाइए। किसने की सफाई? बीबी सफाई हुई है। हम आपको बता चुके थे ना कि मरियम के ससुराल वाले आने वाले हैं, और ये भी कहा था कि अपनी निगरानी में सफाई करवाइएगा। फिर किसने की? दीदी हमें देखा था, सफाई हुई थी। हम आपसे पूछ रहे हैं सफाई किसने की? जी वो दिलावेज बीबी ने। आपने की है वहां की सफाई? आपको नहीं पता घर का सामान कैसे साफ होता है? पूरे फर्नीचर पर इतनी इतनी मिट्टी अड़ी पड़ी है, कौन साफ करेगा? बीबी इनकी तबीयत खराब है। बहाने बनाना बंद कर दीजिए कभी। बिल्कुल हशाश बशाश खड़ी हैं, सुबह नाश्ता भी किया होगा, साफ कपड़े भी पहने हैं, तबीयत कहाँ से खराब है? हमें तो नहीं दिख रहा। हम आपसे सच सच कह रहे हैं, तबीयत वाकई खराब है इनकी। बस कर दीजिए, हमारा हुक्म सिर्फ ये था कि बड़े कमरे की अच्छी तरह सफाई होनी है। जी था या नहीं? जी था। बचपन से जानते हैं मैंने और इनके बहानों को भी, बड़े कमरे की सफाई ऐसे होनी चाहिए जैसे शीशा चमक रहा है, समझी आप? जाइए। बीबी हम कर देते हैं। हाथ पैर टूट गए हैं क्या इनके जो सफाई नहीं कर सकते? आपने सुना हमने क्या कहा? जाइए। और आप जरा फोन पे रहना बंद कीजिए। जी जी बेटा बीबी। नानी अम्मा के अचार याद आ रहे हैं आपको, हम इन्हीं कामों के लिए रह गए कि घर समेटता देख के रहे। हाँ माशाल्लाह से सारी चीजें मुकम्मल हो गई हैं, ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, क्रॉकरी हो गई, फर्नीचर भी हो गया है, तकरीबन सारी चीजें तो हो गई हैं। खाना और मेहमानों का शाहबुद्दीन ने कहा था कि वो खुद देख लेंगे, बाकी दावतनामा भी कुछ दिनों में छप के आ जाएगा। बहुत अच्छी बात। वैसे हमारा ख्याल है कि मरियम की शादी के दौरान लगे हाथों काशान के लिए भी कोई रिश्ता ढूंढी। मेरी शादी? जी आपके लिए छोटे दुल्हन, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, हम भी यही सोच रहे थे। हाँ काफी बड़े बड़े घरानों से मेहमान आ रहे हैं, अच्छे खानदानी लोग, उनकी कोई अच्छी सी साहबजादी पसंद कीजिए अपने बेटे के लिए। जी इंशाल्लाह, अब बेटी रुखसत होकर जाएंगी तो बहू को भी तो आ जाना चाहिए ना।
वैसे जिस लड़की की शादी मुझसे होगी ना वो बहुत खुश नसीब होगी। ओहो, वो तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, फारिया बेटा, क्या बात है? आज आप बहुत चुप चुप हैं, खोई खोई सी हैं। सब खैरियत तो है? अम्मी जी अभी से ही उदास हो रही है मेरे जाने पर। चलें, उठवाइए ये सारी चीजें। अच्छा, मैं नूरी से कह के उठवा लेगा, छोड़े रहने दे। अच्छा, किसी और चीज की जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। किसी भी चीज की कमी हो या आप कुछ चाहती हो तो हमें इत्तला कर दीजिएगा। बाहर वकील साहब आए, हम जरा उनसे मुलाकात करें। जी जरूर। शादी घर जाके कैसे संभालेंगी आप? दिलावेज, देखिए हम क्या लेके आए हैं आपके लिए। देखिए, उन्होंने कपड़े दिए हैं आपके लिए। हम शादी में फिर से पुराने कपड़े पहनेंगे? देखिए तो सही, कितने अच्छे। देखिए हाँ, मगर है तो उतरन ना। आर्या बीबी ने दिए। आर्या बीबी बहन है आपकी, बहनों में उतरन थोड़ी होती है। ये लोग हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, कभी हमें नए कपड़े नहीं दिलवाए। नए पुराने क्या होते हैं, खुशी का ताल्लुक दिल से होता है। खुशी का ताल्लुक किस्मत से भी होता है कभी। दिलावेज, हम जानते हैं हमारे अल्लाह ने हमारी दिलावेज की बहुत अच्छी किस्मत लिखी। हमें यकीन है कि आपका कल आज से बहुत ज्यादा हसीन होगा। हमारी शहजादी के लिए एक शहजादा आएगा। शहजादे सिर्फ कहानियों में होते हैं, हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं होता। तो कहानियां सच्ची भी तो हो सकती हैं। हमें यकीन है आपको आपके हिस्से की खुशियां जरूर मिलेंगी। अच्छा देखिए तो सही ना, तो देख ही नहीं रही। ये देखिए कितना अच्छा है। यानी आपको पूरे आएंगे, देखते हैं। बाजू इधर कीजिए, बाजू पूरे हैं आपको, दिखाइए। थोड़े से लंबे हैं ये बाजू, हम ठीक कर देंगे। कंधे दिखाइए, निशानों से। क्यों आई आप यहां? माजी परस्ती तो कोई आपसे सीखे साहब। हम आपसे पूछ रहे हैं क्यों आई है आप यहां? यादों के इस मकबरे में आपको दफन होता देख रहे, जिसके मुजाविर बने आप अपने हाल को फरामोश कर चुके। मत भूला करे रोशन आरा कि आपको यहां आने की इजाजत नहीं है। और उसे जो हर लम्हा हमारे दरमियान रहती है। माजी था वो हमारा, सियारात गई है। वो आपके माजी की एक ऐसी सियारात है जिसने हमारे दिल को वीरान कर दिया। उसकी स्याही इतनी गहरी थी कि हमारी मोहब्बत भी उसे कम ना कर सकी। कई बार उसकी वजह से आपने हमें हमारी मोहब्बत समेत ठुकरा दिया। कुछ छुपा हुआ नहीं था आपसे रोशनदारा, सब कुछ अच्छी तरह जानने के बावजूद आपको सवाल करने का कोई हक हासिल नहीं है। माजी में जीने वाले इंसान हैं आप शहाबुद्दीन, जो मोहब्बत जी नहीं सकता मगर उसका सोग मना सकता है, हसरतों की कब्र पर दिए चला सकता है। और एक दिन उसी कब्र में दफन हो जाता है। ये हैं आप शहाबुद्दीन और ये है आपकी हकीकत।
फारूक से कह बाहर की सफाई दोबारा करें। कितनी दफा कहा है हमने, नहीं सही साफ किया है। दिलावेज कहाँ जा रही हैं आप? बावर्ची खाने में। रुकिए, ये कपड़े इन्हें दें। और आप जाके उस वाले कमरे की सफाई कीजिए, आके देखेंगे हम। ये सारे कपड़े इस्त्री कीजिए और लगा दीजिए। और हाँ, काशान के कपड़े भी रखें, उन्हें भी इस्त्री कर दीजिएगा। क्या हरकत है, उठे यहां से, हमें बहुत काम है। ये शर्ट इस्त्री कर दो। इतना डरी क्यों रहती हो, चिढ़ती क्यों मुझसे? तुम्हारी उम्र की लड़कियां इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं और तुम हर वक्त चिढ़ी रहती हो, क्यों? हम उन लड़कियों में से नहीं है। अगर कपड़े इस्त्री करवाने हैं तो करवा ले, वड़ा जाए यहाँ से। एक तो ये बढ़िया, तुमसे कितनी दफा मैंने कहा मेरा कपड़े वक्त पे इस्त्री करके लाया करो, हर काम में वक्त लगाती है ये लड़की। बेटी हम इस्त्री कर दें? नहीं अक्का, भी हम कर लेंगे। हमने मरियम के दो कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, बाकी करके दे देंगे आपको। अच्छा ठीक है, हम मरियम के कपड़े ले जाएंगे। दिलावेज, बेटी जरा इधर आए, इतने ऊंचे कपड़े टांग दिए, हमसे तो उतर ही नहीं रहे। हद हो गई, एक तो लाइए। बहुत शुक्रिया, जीती रह जीती रह जीती रह। देखिए वक्त इतना ही है जितना हमने आपको दिया है, याद रहे असली चांदी का इस्तेमाल होना चाहिए। सुनिए, हमने मरियम की शादी के कार्ड छपने के लिए दे दिए, घर के मुलाजमीन ने कुछ रकम बांट दी, जाएगा खुशी का मौका है, हमें उन्हें याद रखना चाहिए। हमारी भांजी की शादी है, हम नहीं चाहते किसी बात की कमी रहे, इसलिए सारे इंतजाम खुद करना चाहते हैं। क्या बात है, कुछ परेशान है? नहीं तो कोई बात है? क्यों खुद को परेशान करते हैं? हम ठीक हैं। हमारी उस एक बात को आज तक आपने दिल के साथ लगा के रखा है, आप हमारी जगह होते तो क्या करते? तारा